दुर्ग से अमानवीय कृत्य की बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। जिला अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने मिलकर अस्पताल में भर्ती मरीज के हाथ पैर बांध दिए और उसके साथ जमकर मारपीट की। दुर्ग के जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड का काम तो अस्पताल की सुरक्षा करना था, पर ये गार्ड खुद गुंडई बदमाशी दिखाने पर उतर आए। सुरक्षा गार्ड के द्वारा अंजाम दी गई शर्मनाक घटना को सुनकर आप भी गुस्से में आ जाएंगे। अस्पताल में भर्ती एक मरीज के हाथ पैर बांधकर सुरक्षा गार्ड ने उसे जमीन पर लेटाया और फिर मरीज के साथ जमकर मारपीट की। जब पीड़ित मरीज के परिजनों ने इसका विरोध किया तो सुरक्षा गार्ड ने मरीज की बहन और परिजनों के साथ भी मारपीट की। ऐसे में सवाल उठता है कि जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की भर्ती हुई है या गुंडे बदमाशों को सुरक्षा गार्ड बना दिया गया है। मामले की शिकायत थाने में हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन सुरक्षा गार्ड का चोला ओढ़े गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है या नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।